सॉरी व्यूअर्स, मेरा कैमरा ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। नाउ थाली पीट मैंने अभी वो कुक हो चुका है। अभी से हम सॉस, चटनी या दही के साथ परो सकते हैं। थोड़ा सा कांदे के साथ, कटी हुई कांदे के साथ ये रेडी हो चुका है। नाउ और एक तरीका मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप इसे थोड़ा सा डोसा का बैटर जैसा बना के, ये देखिए इधर मैंने मिक्स करके रखा, थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करके इसको मिक्स करके रखा है। ये भी एक तरीका है इसे बनाने के लिए। आप इसे जस्ट ऐसा स्प्रेड कर सकते हैं। ये आप ऐसा भी बना सकते हैं इसका। और ये आपको धीमी आंच पे बनाना है क्योंकि इसे अच्छी तरह पकने दें धीमी आंच पर। आपको मैंने बताया ये हाथ से हम कैसे ऐसे बनाते हैं करके। आप इसे चाहे तो रोलिंग पिन से भी रोल कर सकते हैं। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है और कोई भी मेहमान आएंगे घर पे अनएक्सपेक्टेडली, तो अगर ये सब फ्लावर आपका घर में स्टॉक में है तो आप एक अच्छा नाश्ता या स्नैक आपको बनाने के लिए आसान पड़ेगा। एंड इट्स अ हेल्दी स्नैक। और खत्म दीजिए इसे। ये जो मेथड अभी सेकंड मेथड मैंने यूज़ किया है, आप जानते हैं मूंग दाल चूल्हा, बेसन चूल्हा वगैरह बनाते हैं। थोड़ा सा पतला सा आप बना सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया मैंने। काफ़ी तेल डाल चुकी हूँ मैं इसमें, अभी और तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे और भी पकाएं। इसे भी आप सॉस, चटनी या दही के साथ परोस सकते हैं। तो लीजिए और एक ब्रेकफास्ट की आइटम आपके लिए तैयार है।
पॉट आने पर ठीक कर दीजिए इसे। अभी आपकी थाली पीठ दो तरीके की तैयार है, आप इसे एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।